जय किसान दोस्तों, मैं नरेश आपका स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से YouTube परिवार में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी गाय और भैंस के नवजात बच्चों का पोषण किस तरह किया जाए, उन्हें कितनी मात्रा में दूध पिलाया जाए, कब तक दूध पिलाया जाए और उनका जो दाना है, हरा चारा है, कब शुरू किया जाए, ताकि जो मेल काफ्स हैं वो बड़े होकर अच्छे तरीके से काम कर सकें और जो फीमेल काफ्स हैं वो बड़े होकर अच्छी मात्रा में दूध दे सकें, यानी कि दुधारू बन सकें। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और वीडियो अगर पसंद आए तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइएगा और साथ में जो घंटी का बटन है उसे भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको सूचना मिले और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएं। दोस्तों, मुझे आप में से काफी सारे किसान भाइयों के कमेंट मिले जिसमें आपने पूछा कि भाई साहब, ये बताइए कि हम हमारे जो गाय भैंस के नवजात बच्चे हैं उनका पोषण किस तरह से करें। दोस्तों, हम पशुपालकों के लिए जो हमारे गाय भैंस के जो फीमेल काफ्स होते हैं वो हमारी एक इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि वही आगे जाकर हमें प्रॉफिट देती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में हमें पता होना चाहिए कि हम उनका जो पोषण है किस तरह से करें, उन्हें क्या डाइट दें, कितने टाइम तक उन्हें दूध पिलाएं, ताकि वो आगे चलकर एक अच्छे दुधारू गाय या भैंस बने। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं बच्चे के जन्म से। दोस्तों, बच्चों जो नवजात बच्चे होते हैं उनके लिए जो खीस है, जिसे कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है, वो बहुत जरूरी होता है। अगर हम खीस बच्चों को पिलाते हैं तो उससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, उनका विकास अच्छा होता है, उनके विकास में बहुत अच्छा योगदान खीस का रहता है। तो दोस्तों, आपको अपने जो नवजात बच्चे हैं गाय भैंस के, उनको खीस पिलाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब बात आती है कि नवजात बच्चे को खीस कितना पिलाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जितना जल्दी हो सके नवजात बच्चे को खीस पिलाना चाहिए। और अगर मात्रा की बात करें तो जो नवजात बच्चे का वजन है उसका दसवां हिस्सा, यानी कि अगर मान लीजिए 20 किलो का बच्चा है तो लगभग 2 किलो खीस हल्का सा गुनगुना करके 24 घंटे के अंदर अंदर हमने नवजात बच्चे को पिलाना होता है। दोस्तों, इसके अलावा नवजात बच्चे में एक प्रोटीन का निर्माण होता है जिसे इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं, जो कि नवजात बच्चे के जन्म के 24 घंटे तक बनता है और धीरे धीरे वो धीरे धीरे कम होने लगता है और लगभग 3 दिनों के बाद वो बनना बंद हो जाता है। दोस्तों, इसका काम ये होता है कि वो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है हमारे शरीर में, जो नवजात बच्चों के शरीर में, उसको बढ़ाता है और जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं उनको पहचान कर उन्हें खत्म करने का काम करता है। तो इसलिए दोस्तों, उस नवजात बच्चों को खीस खिलाना या पिलाना बहुत जरूरी है, ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आपने वजन का दसवां हिस्सा दूध बच्चे को पिलाना है। दोस्तों, लगभग जन्म के तीसरे हफ्ते तक आपने बच्चे को वजन का दसवां हिस्सा दूध पिलाना है। उसके बाद आपने चौथे और पांचवें हफ्ते में उस बच्चे को उसके वजन का लगभग 15वां हिस्सा दूध पिलाना है। और दोस्तों, उसके बाद जब बच्चा 2 महीने का होता है, यानी कि 6वें, 7वें और 8वें हफ्ते में आपने बच्चे को उसके वजन का 20वां हिस्सा दूध पिलाना होता है। और दोस्तों, इसके साथ साथ आपने ध्यान रखना है कि आप हल्का फुल्का दाना, यानी कि जो काफ स्टार्टर होता है, वो शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक अच्छा शुद्ध चारा भी उनको खिला सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो मार्केट से आपको काफ स्टार्टर मिल जाएगा, यानी कि जो बच्चे हैं उनके विकास के लिए जो दाना होता है वो मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ घर पर बनाया हुआ जो दाना है वो रिकमेंड करूंगा। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है कि छोटे बच्चों के लिए किस प्रकार का दाना चाहिए होता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस पर वीडियो बनाए, तो मैं आपको इस पर भी एक वीडियो बनाकर दूंगा। दोस्तों, ये तो बात हुई बच्चे को दूध पिलाने की और उनका जो हरा चारा और दाना स्टार्ट करने की। दोस्तों, इसके साथ साथ आपने एक मेन बात है वो ध्यान रखनी है, आपने बच्चे की डीवर्मिंग जरूर करनी है, यानी कि आपने छोटे बच्चे के जो पेट के कीड़े हैं उनको मारने के लिए जो दवाई है वो जरूर देनी है। दोस्तों, अगर आप दवाई देने के शेड्यूल के बारे में जानना चाहते हैं कि कब शुरू करें और किस किस प्रकार दवाई देनी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं इस पर भी आपको एक अलग से वीडियो बनाकर जरूर दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ ही अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।